हम दरभंगा जिला के बिरौल में मौजूद हैं और आज पैक्स अध्यक्ष का जो है मतगणना हो रहा था और मतगणना के बाद जैसे एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद पूरे इलाके में खुशी का माहौल बन गया। खुशी इस बात से हो गया कि पहली बार बिरौल के इस धरती पर पहली बार पटनिया गांव में एक सबसे कम उम्र का युवक शिवशंकर यादव इस बार चुनाव में जीत दर्ज किए हैं और उसके बाद तमाम उनके जितने समर्थक सब आए, जोरदार शिवशंकर के लिए ताली बजा दीजिए। और देखिए शिवशंकर यादव जी है सबसे कम उम्र के एक युवा है और कह सकते हैं कि पटनिया गांव के लोगों ने पहली बार एक युवाओं को युवा चेहरा को पसंद किया है और युवा जो है इस बार पटनिया पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे बिरौल के लिए भाग गया है। शिवशंकर जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपको। जीत की बहुत बहुत बधाई। हार्दिक आपका भी शुभकामना। मैं आपको छोड़ दिया जी, बोलिए जी। जी मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, मैं अपने तमाम मतदाता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं और सबसे बड़ा भाग्य है हमको जो जीवन का मैं पहला चुनाव लड़ा और जीत गया। पहला चुनाव लड़े जी, जीवन का और जीत भी दर्ज हुआ। जीत भी दर्ज। और जोरदार ताली दे दीजिए। इसके लिए हमारे जितने भी बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं और जो नहीं भी आए हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ उनको, जो उनके आशीर्वाद से मैं इस पंचायत को नेतृत्व करूँगा पैक्स के रूप में। अच्छा, जो पिछले उम्मीदवार थे यानी कह सकते हैं कि पिछले उम्मीदवार थे उनके मुकाबले आप पहली बार चुनाव लड़े और इसमें शानदार जीत दर्ज। जी जी, पहली बार चुनाव लड़े और शानदार जीत हासिल किए हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष का असीम कृपा है मेरे ऊपर। जो हमारे छोटन चाचा हैं, कुलदीप चाचा हैं, हमारे पिताजी हैं, पिता के तुल्य हमारे बड़े चाचा नरेश यादव जी हैं, उमेश यादव जी हैं, सरोज पासवान जी हैं जो पूर्व मुखिया थे, सभी आदमी का असीम कृपा और हमारे जो सहयोगी उदय जी, अनिल जी, सुशील जी, राजीव कामत जी, सभी आदमी का सहयोग था और सब आदमी तन मन धन से हमारे पीछे रात दिन एक करके मेहनत किया और हमको विजय दिलाए। कितने वोट से जीत के आए हैं? हम आधा से ज़्यादा वोट ले लिए, 418 वोट हमारे पंचायत में, 772 वोट गिरा था उसमें 418 वोट हम लिए हैं। अच्छा, कितने उम्मीदवार खड़े थे? तीन उम्मीदवार थे जी। 418 वोट आप लाए हम 418 मत लाए हैं, उसके बाद जो है कह सकते हैं कि एक बड़ा रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज किया है। उनके सहयोगी है उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में तमाम जितने उनके समर्थक है शिवशंकर यादव जी के वो यहाँ मौजूद है। पटनिया पंचायत में आपके उम्मीदवार जीत के आए, क्या कहना चाहेंगे जी? इसके समक्ष में हम पूरे राजमणि जितने मतदाता थे सब एक हो के, पटनिया पंचायत के मतदाता जितने थे एक हो के, हम पूरे समाज इनको अपना समर्थन देके और इसको जिताए। यानी सभी लोग इस बार पहले से विचार लिए थे? जी जी, विचार लिए थे। हमारे गांव में एक ग्रामीण बैठक के करने के बाद इनको चुना गया और हम लोग अपने मत से इनको, सभी लोग युवा को पसंद किए। जी बिल्कुल, युवा को पसंद किए, युवा चेहरा बिल्कुल भाग गया। बहुत 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 बढ़िया से भाग अजमाया है पूरे गांव का समर्थन से मेरे शिवशंकर जी ने, यहाँ फैक्स अध्यक्ष के नाम से चुना गया था और बड़े बड़े इससे पहले जो मेरे चाचा थे राजनीतिक करते थे वो लोग भी बहुत से सहयोग किए थे इसी के कारण से सभी लोगों का सहयोग रहा। जी जी, सभी लोगों का सहयोग, पूरे पटनिया पंचायत के जनता जनार्दन का सहयोग था। सहयोग था और यही वजह है कि पूरे पटनिया पंचायत के एक एक मतदाता ने, खास करके पैक्स अध्यक्ष में जो लिमिटेड मतदाता होता है, कुछ जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जब इनको चुना गया तो इस बार एक शानदार वोट से जीता। हमारे समिति साहब का असीम कृपा है। समिति साहब हमको आ जाइए। जी जी जी, आ जाइए। देखिए एक एक लोगों का जो है सहयोग रहा, समिति साहब का सहयोग था, सरपंच साहब का सहयोग था, पूर्व पैक्स अध्यक्ष का सहयोग था, तो हारने का कोई चांस ही नहीं था। यानी सभी लोग, आप लोग का भी सब पूरा सहयोग मिला है शिवशंकर जी को, क्या कहना चाहेंगे? जब तक जो है सहयोग कोई चीज नहीं होता है, एक झाड़ू का टेल भी होता है। जी देखिए जी, लगभग वो 200-300 पीस होता है तब उसको बांट कर करके उसको पहाड़ को साफ कर देता है। बिल्कुल, उसी को अगर सिंगल सिंगल कर दिया जाए तो कुछ नहीं होगा, टूट जाता है। यहाँ टूटने का काम नहीं किया है, जुटने का काम किया, पूरा समाज मिलकर इनको खड़ा किया और ये कामयाबी हुई। आपका भी योगदान रहा है इसमें? वो तो जनता का योगदान है, हम लोग तो प्रतिनिधि, हम लोग तो आशीर्वाद पे हैं। एक एक लोग सब समर्थक जितने मतदाता थे। और दिखा दिए एक बार तस्वीर, थोड़ा घुमा के दिखा दिए, एक एक चेहरा को थोड़ा दिखा दिए, सभी के चेहरों पर वो मुस्कुराहट देख लीजिए, वो खुशी आप देख सकते हैं। दिखा दिए, इधर से शुरू कीजिए और लास्ट तक आप एक एक चेहरा को दिखा दीजिए, शिवशंकर यादव के साथ जितने भी की पटनिया पंचायत के एक एक जनता दिखा दीजिए, सबके चेहरे पर खुशी है। पूर्व में पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी आपके सामने जो कम उम्र के हैं, युवा है, जीत कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवा को आगे बढ़ने के लिए मैंने आशीर्वाद दे दिया इनको जी, और हमेशा सदैव आगे भी देता रहूंगा। आप इस बार आशीर्वाद दे दिए, खुद माला पहने, पहले भी पहने थे, पहनाने का काम यही लोग माला पहले भी पहनाए हैं, इस बार हम पहना दिए उनको। चलिए एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली, ये बहुत साहस का काम है कि पहले ये इस पद पर रहा करते थे लेकिन अब जो है इस बार शिवशंकर यादव को इन लोगों ने चुना है और कह सकते हैं कि एक बड़ा अंतराल में जो जीत हुआ है और काफी खुशी का माहौल है।
तमाम लोगों में। हालांकि अभी कुछ समर्थक यहाँ मौजूद है, ज्यादा समर्थक तो आए भी नहीं है। ठीक नहीं, बिल्कुल मैसेज पहुँच गया गाँव तक, पूरे मैसेज पहुँच गया। हम लोग सभी ग्रामीण और पंचायत के लोग हर्ष उल्लास के साथ, जो पैक्स अध्यक्ष पहले से भी थे वो भी, और वगैरह वगैरह जितने भी लोग, सब लोग, सब लोग हम लोग इनको शिवशंकर यादव को। चलिए आप एक सवाल शिवशंकर यादव से लास्ट में है जी। यादव जी आप नाम बोल रहे हैं। आइए 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 आइए, क्या नाम है, नाम क्या आपका? उमेश यादव है। उमेश यादव जी, जी आपका बच्चा जीत का है, क्या जी? बहुत खुशी की बात है सर। जी जी, आज सब जो राजबनी के ग्रामीण या पंचायत पटनिया के जितना ग्रामीण है सब जी जी सबका सहयोग है। चलिए एक सवाल बनता है कि अंत में जब जीत गए हैं एक बार तो और जोरदार ताली इनके लिए दे दीजिए, और एक सवाल आप बता दीजिए कि जीत कर आए हैं जो जिम्मेदारी मिले उसे किस तरह निभाएंगे? बखूबी मेरे पास उतना अनुभव नहीं है, मैं पहला बार इस चुनाव में आया हूँ, इस क्षेत्र में आया हूँ, जीवन का पहला चुनाव लड़ा और जीत गया। हमारे जो भी हमारे जनता का चाहत होगा, जो मांग होगा, यथासंभव कोशिश करूंगा कि उसको हर संभव पूरा किया जाए, और हम अपने पूर्व पैक्स अध्यक्ष श्री कुलदीप दास जी गाइडेंस के अनुसार चलूंगा। यानी गार्जियन मानते हैं? जी जी जी, उनके गाइड लेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, उनके अनुसार चलूंगा, उनके गाइड के अनुसार चलूंगा। चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवशंकर जी जीत कर आए हैं पटनिया पंचायत से।